जी भैया हिंदी स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभी हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। स्वयं को देखने के क्रम में हमने पहले स्टेप में अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, और उसमें भी मूलतः भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, क्योंकि दिखता है कि भाव से ही हमारा विचार और विचार से ही हमारा व्यवहार तय होता है, हमारा कार्य तय होता है, हमारी भागीदारी तय होती है। और ये एक ऐसा काम है जो सतत अपने को करते रहना है। तो ऐसा नहीं कि स्टेप वन में हमने उसको किया और वो पूरा हो गया है, तो उसको अपने अंदर बनाए रखना है। तो मुझे अपने भावों के साथ अपने आप को हर क्षण देखना है कि इस क्षण मेरे अंदर भाव क्या है। ये अभ्यास एक कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, परंतु ये जो भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास है, ये अपने को बनाए रखना है। और इसके साथ फिर आगे का अपने को और बारीकी से मूल्यांकन करना है ना, परिमार्जन के लिए काम करना है। परंतु इस अभ्यास एक को पूरा करते हुए यदि हमारा भाव के प्रति सजगता बना रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस काम को हमको सतत करते रहना है, हर क्षण देखना है, भाव के स्तर पे पहले अपने आप को देखना है। अदरवाइज फिर हम विचारों में बहने लगते हैं, विचारों में खो जाते हैं, विचारों में उथल पुथल जो होती है उसमें उलझ जाते हैं। तो ये पहले स्टेप पे जो करने वाला काम है। और इसमें हमने ये भी किया था पहले स्टेप पे कि भाव को ना तो बदलना है, ना उसका मूल्यांकन करना है, ना प्रतिक्रिया करनी है, न रोकना है, न टोकना है, सिर्फ जैसा है वैसा उसको देखना है भाव को। जी कृष्ण जी का हैंड रेज है, मैं थोड़ी देर में प्रश्न लेता हूँ आपके। स्टेप टू में फिर हमने मूल्यांकन शुरू किया और ये देखने का प्रयास किया कि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में फिर हमने देखा कि इस भाव के साथ मेरी स्थिति कैसी है, सुखद है या दुखद है, आराम में हूं या परेशान हूं। स्टेप फोर में हमने ये देखने का प्रयास किया कि इस भाव के लिए जिम्मेदार कौन है, मैं स्वयं या बाहर की परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। और थोड़ी जांच परख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ, निर्णय मैं लेता हूँ। तो इससे ये भी तय होता है कि इस पूरी कल्पनाशीलता में, या जो ये दुख है मेरा, पूरा जो सुख या दुख है ये तो कल्पनाशीलता में ही है, और कल्पनाशीलता भाव से ही चल रही है और भाव का निर्णय मैं ही ले रहा हूं। तो फिर अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो मेरी जो स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार, बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दूसरे का व्यवहार अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मेरी जो स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये कि मुझे स्वयं के परिमार्जन के लिए काम करना है, और दूसरा कि मैं शिकायत मुक्त हो जाता हूँ। ये जो हम अपने अंदर काफी समय तक दूसरों के प्रति शिकायत धोते रहते हैं ना, ग्रजेज रहते हैं हमारे में, कंप्लेंट्स रहते हैं, जिसने हमारे साथ ऐसा किया, दूसरे हमारे साथ वैसा किया, दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरे की जो जिम्मेदारी थी उसको उसने पूरा किया नहीं किया वो एक बात है, परंतु उससे मैं जो प्रभावित हुआ वो तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं शिकायत मुक्त हो जाता हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यदि हम आने वाले समय में देखें तो कभी भी हमारे अंदर यदि किसी के प्रति शिकायत का भाव बनता है, तो हम उसको एक बार लौट के फिर देख लें कि जिम्मेदारी मेरी है या अगले व्यक्ति की। अगर मैं दुखी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है या अगले व्यक्ति की। तो जितना जितना हम इसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जिम्मेदारी मेरी है, उतना हम ठीक से अपने आगे के निर्णयों को ले पाएंगे, अपने ऊपर काम कर पाएंगे, अपने परिमार्जन के लिए गंभीरता से लग पाएंगे। ये भी दिखेगा आपको कि अल्टीमेटली तो काम सारा अपने परिमार्जन के लिए ही करना है। स्टेप फाइव में फिर हमने देखना शुरू किया कि जो भाव का मैं निर्णय लेता हूँ उसका आधार क्या है, सही समझ या मान्यता। अब सही समझ क्या कहें, मान्यता किसको कहें, ये कैसे तय होगा? तो हमने
शुरू में तो ये देखा कि यदि मैं आराम में हूं तो इसकी काफी संभावना है कि सही समझ हो आधार, बट यदि मैं परेशान हूं तो निश्चित रूप से सही समझ तो नहीं है, कोई मान्यता ही होगी। मान्यता के आधार पर भी कभी कभी मुझे आराम मिलता है, परंतु उसमें निरंतरता नहीं होती। तो यदि मेरे भाव की निरंतरता नहीं है, मेरे सुख की निरंतरता नहीं है, तो कोई मान्यता काम कर रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि परिमार्जन तो करना है, बट किस अर्थ में करना है? तो सही समझ को सुनिश्चित करना है, सही भाव को सुनिश्चित करना है। इसके अगले स्टेप पे फिर हमने अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहअस्तित्व का या संघर्ष का। तो इसमें भी थोड़ी जांच परख से दिखता है कि नहीं, संबंध का भाव ही स्वीकार होता है, अगले व्यक्ति का व्यवहार चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वैसे ही व्यवस्था का भाव ही स्वीकार होता है, सहअस्तित्व का भाव ही स्वीकार होता है। परंतु इसी स्टेप पे मैं कहूंगा इसको मान मत लीजिए, है ना ये बात, क्योंकि हम लोग ये शब्द बहुत जल्दी प्रयोग कर लेते हैं, संक्षेप में बोल लेते हैं, संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व, बट अपने आप में इसके विस्तार में आप जाएंगे तो बहुत कुछ समझना शेष दिखाई देगा। तो इस पे भी इस निष्कर्ष पे तुरंत ना पहुंचे, अपने आप में हर बार जांचें। अच्छी बात यह है कि किसी परिस्थिति में अगर आप अपने ऊपर जांचेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि इस व्यक्ति के साथ इस क्षण मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार हो रहा है, संबंध या विरोध, तो उसका आपको एक निश्चित उत्तर मिलेगा, है ना? उसको देखें क्या उत्तर मिलता है। यदि आप अपने आप से कहेंगे संबंध और संबंध स्पष्ट नहीं है, तो आपके अंदर खुद ही से प्रश्न बनेंगे, तो क्या मैं इसकी बात मान लूं, क्या मैं झुक जाऊं, क्या मैं इसके अनुसार चलूं, क्या मैं सह जाऊं, एंड सो ऑन। ढेर सारे प्रश्न बनेंगे आपके अंदर, उनको भी रख लें, है ना, कि इन प्रश्नों का उत्तर मुझे स्पष्ट होना जरूरी है। परंतु तो इस निष्कर्ष पे पहुंचने में हड़बड़ी ना करें, अपने आप से पूछ के देखें कि मुझे संबंध का भाव स्वीकार होता है या नहीं, ठीक, वैसे व्यवस्था का भाव स्वीकार होता है कि नहीं। कभी कभी ये भी लगेगा कि संबंध को स्वीकारता हूँ तो अव्यवस्था फैलती है, व्यवस्था को स्वीकारता हूँ तो संबंध बाधित होता है, फिर इसमें किसको चुने, संबंध को चुने या व्यवस्था को चुने। जैसे कई प्रश्न भी ऐसे आए थे कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ संबंध को चुनता हूँ तो परिवार की व्यवस्था बाधित होती है, परिवार की व्यवस्था के लिए सोचता हूँ तो अगला व्यक्ति आहत होता है, दुखी होता है, फिर इसमें क्या करना होगा, ये सारे भी प्रश्न बनेंगे। हमारे जीने में जो ज्यादातर प्रश्न होते हैं जब हम इस अध्ययन क्रम में लगते हैं, जांच परख में लगते हैं, तो इसी अर्थ में लगते हैं, इसी अर्थ में बनते हैं। कई बार लगता है कि संबंध और व्यवस्था परस्पर विरोधी हो गए हैं, नहीं, या एक संबंध दूसरे संबंध के विरोध में खड़ा है। इस संबंधी के सुख के अर्थ में विचार करता हूं तो अगला व्यक्ति दुखी होता है, दूसरे व्यक्ति के सुख के अर्थ में विचार करता हूं पहला व्यक्ति दुखी होता है। अब क्या करें, तो क्या मेरा सुख, इस व्यक्ति का सुख, उस व्यक्ति का सुख सब अलग अलग है? मेरे परिवार की व्यवस्था के लिए मैं काम करता हूँ तो समाज पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, समाज के लिए काम करता हूँ तो परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है, तो क्या परिवार की व्यवस्था समाज की व्यवस्था परस्पर विरोधी है? ऐसे बहुतेरे प्रश्न आपके अंदर तैयार होंगे, ये सारे प्रश्न वैलिड हैं। जितना जितना इन प्रश्नों को हम मेयरली विचार के स्तर पे नहीं, भाव के स्तर पे जाके सॉर्ट आउट करेंगे, समझ के स्तर पे सॉर्ट आउट करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर बारीकी आएगी, क्लैरिटी बनेगी, कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। हम उलझते यहीं पे हैं, अच्छा इंटेंशन होने के बावजूद हम जो उलझ जाते हैं, इसीलिए उलझते हैं क्योंकि हमें एक संबंध दूसरे संबंध के विरोध में कई बार लगता है, या मैं अपने सुख के लिए काम करता हूँ तो दूसरा दुखी होता है, दूसरे के सुख के लिए काम करता हूं मैं दुखी होता हूं, है ना, समाज के लिए काम करता हूं संवेदना का जो सुख मिलने वाला है वो रुकने लगता है, संवेदना का सुख पाने जाता हूं अपने अंदर ग्लानि होती है, मैं दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने का प्रयास न करूं तो लगता है कि संबंधों में छट जाएंगे, कट जाएंगे, समाज से अलग थलग पड़ जाएंगे, उनके अनुकूल भाव के लिए प्रयास करता हूं तो अपने अंदर फिर ग्लानि होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न तैयार होंगे,
तो ये काम तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का अपने अंदर चलने वाला है, इसको अपने को बनाए रखना है और इस पे गंभीरता से काम करना है। ये स्टेप्स तो हम लोग पूरे कर ले रहे हैं कुछ दिनों में ही, परंतु एक एक स्टेप के अंदर आप समय लगाएंगे तो काफी समय लगेगा। इनफैक्ट ये आगे के जो स्टेप्स हैं, स्टेप 6 एंड 7, ये तो कई बार आपको लगे तो लाइफ लॉन्ग काम है। जैसे स्टेप 6 के B में हम ये निर्णय ले पा रहे हैं कि मुझे अपने अंदर संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, सहस्तित्व का अनुभव करना है। ठीक, अब ये निर्णय कितने दिनों तक बना रहता है, किस रूप में बना रहता है, हमारी प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हो जाती हैं, ये सब तो अपने लिए ध्यान देने का मुद्दा है, देखने का मुद्दा है। एक भी भाव चिंतन में आएगा तो आपको दिखेगा उसका सुख बना रहता है, और मेरे अंदर चिंतन की क्रिया होती है ये भी आपको दिखाई देगा। अब ये पता लगता है, हाँ भाव तो होता है, हाँ विचार तो चलते हैं, है ना, हाँ आशा तो होती है, हाँ ये जो आस्वादन कह रहे हैं ये आस्वादन भी तो होता है, हाँ तुलन होता है, विश्लेषण होता है, चयन भी करता हूँ आदि आदि। परंतु ये चिंतन क्या होता है, ये होता है भी कि नहीं होता, ये कैसे पता लगेगा, ये तो जब घटित होगा तभी पता लगेगा और आपको ही पता लगेगा, है ना, और उसके आधार पर आगे का सुख बना रहेगा, उस भाव को लेकर तो सुख बना रहेगा। तो ये काम अभी हम लोग स्टेप 6 में करते रहे, इसको लेकर हम लोगों ने असाइनमेंट्स भी लिए हैं, इन असाइनमेंट्स को हम रोज अपने आप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी भैया, सुलेखा जी का प्रश्न है कि सहस्तित्व के भाव को स्पष्ट करें। ठीक बात है, इस पे थोड़ी बात हुई थी और थोड़ी बात कर लेते हैं। भैया पिछला स्लाइड थोड़ा लगाइएगा, जहाँ पे सेल्फ का डायग्राम है, पिछला स्लाइड। हाँ, तो सहस्तित्व का भाव का मतलब कि मुझे ये दिखता है, ये भाव मेरे अंदर बना रहता है कि अस्तित्व सहस्तित्व पूर्वक है, शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, पूरी प्रकृति इकाइयों का समूह है, ये सारी इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं। संपृक्त होने का अर्थ हुआ कि शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, हर इकाई ऊर्जित है, नियंत्रित है ना, एक निश्चित आचरण के साथ बनी हुई है और परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। हर इकाई शून्य के माध्यम से दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। इसके ही फलन में देखें तो ये दिखता है कि अपने को समझ में आता है कि ये अस्तित्व है, कोई रचना तो है नहीं, तो ये था है और रहेगा ना? हमेशा से था है और हमेशा ही रहेगा, और इसी प्रकृति में मैं हूं, एक चैतन्य इकाई, मेरे साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है, जड़ इकाई, और पूरी प्रकृति में दो ही तरह की वास्तविकता है, जड़ है चैतन्य है। ये जो जड़ इकाइयां हैं ये परिवर्तनशील है, इनमें रचना विरचना होती रहती है, और अल्टीमेटली जितना कुछ भी हो सकता है जड़ इकाइयों में, जिसमें मेरा शरीर भी शामिल है, बस रचना विरचना ही है। रचना विरचना के आधार पर ही ये बचपन से इतना बड़ा हो गया, रचना विरचना के आधार पर ये जरा को भी प्राप्त होगा, वृद्ध भी हो जाएगा, है ना, तो शरीर में तो ये सब चलता ही रहेगा। आसपास जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं उसमें भी देखें तो रचना विरचना चल ही रही है, परंतु मुझ में कोई रचना विरचना नहीं है, और मेरा होना इन रचना विरचना वाली इकाइयों पर निर्भर भी नहीं है, तो मैं हूं और बना रहूंगा। और इसके साथ ये भी स्पष्ट होता है, तो फिर मेरे लिए कार्यक्रम क्या रहा, मैं तो अस्तित्व में हमेशा ही बना रहूंगा, चाहे शरीर के साथ रहूं या न रहूं। तो मुझे अपने अंदर एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करनी है जिसमें मैं निरंतरता में रहना चाहूं, तो वो क्या होगा, तो मेरा विकास हो जाए, मुझ में परिमार्जन हो जाए, ये अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में दिख जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, संबंध का चिंतन हो जाए। तो सह अस्तित्व के भाव के साथ इस संपूर्णता को हम देख पाते हैं। फिर अब हम जो भी निर्णय लेते हैं, है ना, अपने शरीर के रख रखाव के लिए, संबंधों के निर्वाह के लिए, अपने लिए सुविधा उपार्जन के लिए, आसपास के लोगों के साथ भागीदारी के लिए,
जो सिस्टम बनेंगे उसमें भागीदारी के लिए, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी विचार करते हैं, उसमें भाव बना रहता है कि अस्तित्व था, है और रहेगा, और अल्टीमेटली जो परिमार्जन होना है चैतन्य इकाइयों में ही होना है, उसमें मैं भी हूं। और जड़ इकाइयां तो परिणामशील है, परिवर्तनशील है, इसमें तो घटना बढ़ना, टूटना फूटना, रचना विरचना ये लगा ही रहेगा। तो इसमें मैं अपने लक्ष्य को नहीं देखता हूं ना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो रचना विरचना है, मैंने अपने लिए एक मकान खरीदा, मकान एक रचना विरचना के आधार पर तैयार हुआ है, 100 साल बाद ये मकान विरचित हो जाएगा, तो ये अब मेरा लक्ष्य नहीं रहा कि मुझे अपने लिए खूब बड़ा मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है ना, प्रॉपर्टी बनानी है, ये करना है, वो करना है, जमीन अक्वायर करना है। ये भी नहीं है कि मुझे अपने शरीर को कुछ बहुत सुरक्षित बना देना है। मुझे दिखता है कि अल्टीमेटली ये सब एक साधन है, क्योंकि तो इनमें तो परिवर्तनशीलता है, इसमें कुछ भी करूंगा वो टिकेगा नहीं, बना नहीं रहेगा, जो बना रहेगा वो तो मेरे अंदर ज्ञान है, भाव है। तो मेरे हर विचार में, हर कार्य में, हर व्यवहार में, हर भागीदारी में, हर निर्वाह में ये मूल में बना रहता है, तो मैं इस चैतन्य इकाई के विकास के लिए कमिटेड हो पाता हूँ, है ना, और सहस्तित्व के अनुभव तक पहुंचने के लिए कमिटेड हो पाता हूँ, उसको जीने में हर आयाम में मैं पूरा कर पाऊं, इसके लिए मैं कमिटेड हो पाता हूँ, ये सहस्तित्व का भाव है। तो अभी हम भैया ये मतलब ये अभी रियलाइजेशन, ये जो हम स्टेप सब लिखे हुए हैं, तो ये हमारे लिए अभी प्रपोजल है या मानना ही है, मतलब ये किसी ने जो रियलाइज व्यक्ति है उन्होंने देखे होंगे कि ये सब, और ये प्रोसेस मैप किया होगा, तो जैसे तो और उन्होंने अपने आप में ये सब प्रक्रिया घटती हुई देखी है और रियलाइज की है, तो हम ये अभी मतलब मान के चल रहे हैं और अपने आप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तब जब तक हमें खुद को अनुभव नहीं होता तो ये एक तरह का श्रद्धा रख के या रेवरेंस रख के मानना है, और उसका जो जो स्टेप्स में हम है, जो जहां हम है वहां तक का अनुभव लेना है और आगे आगे उस पे ये करना है, है ना। देखिए इसमें भी मानने कोई बाध्यता नहीं, मान हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी हमको लगता है दूसरे काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसको बिल्कुल खुला रखें, है ना, इसलिए मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल खुला रखें। होता यह है कि अब जैसे अभी हम सेशन में बैठे हैं, अब हमें दिन भर दूसरे कामों में लगना है तो ध्यान से उतर जाएगा, तो उतनी देर में मान के काम चला लेते हैं, अदरवाइज यदि किसी भी क्षण में हम इस मानने को हटा दें कि नहीं मानना ही नहीं है, सिर्फ जांचना है इसको, तो आप पाएंगे आप बिल्कुल नए सिरे से देखना शुरू करते हैं चीजों को। ये सामने जो मैं कमरे में दीवार है, दीवार है क्या, ये दीवार होती क्या है, छत होता क्या है, जमीन क्या है, है ना, ये हवा क्या है, आप ऐसे बिल्कुल देखना शुरू करिए, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, बिल्कुल मत मानिए शरीर जड़ है, मैं चेतन नहीं हूँ, दीवार जड़ है, कुछ मत मानिए। देखिए अगर इतनी निष्ठा बन गई हमारी देखने की ना, तो दिखने लगेंगी चीजें। और दूसरा ऐसा है कि पूरे दिन में अब गड़बड़ भी होते हुए इतनी सारी जगह दिखती है ना भाव की, तो उससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, इतना सब दिख रहा है मेरे से ठीक नहीं हो पा रहा है, और फिर उसका असर आगे आगे होता रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत जल्दी हो गया है कि ये एक बार मुझे समझ आ जाए, और वो नहीं हो रहा है हर बार, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तो मैं फिर कैसे करूँ। जब मैं बैठकर उसको सोचती हूँ, मतलब थोड़ा ध्यान देती हूँ, तो रिजॉल्व होता है, पर वो उस मोमेंट नहीं हो रहा ना, जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, इस बात का मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो बस तो जल्दबाजी है ना, ये तब है जब आस्वादन के लिए प्रेरित रहते हैं कि मेरी स्थिति सुखद हो जाए, ये एक आस्वादन है, एक आशा है, परंतु उसके जो मुझे करना है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाएंगे हम खुद ही निर्णय नहीं ले पा रहे। जैसे हमें भाव का चिंतन करना है, ठीक, अब जैसे ये निर्णय लेने जाते हैं तो हो सकता है हमको नींद आने लगे, जम्हाई आने लगे, या ऊबने लगे, थकने लगे,
सोने की इच्छा होने लगे। तो क्या हुआ, जो निर्णय लेना है अपने आप में वो निर्णय हम नहीं ले पाते, बट आशा बनाए रखते हैं तो वो तो काम नहीं करेगा, है ना, कि हमारी स्थिति सुखद हो जाए, संबंध अच्छे हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरी कल्पनाशीलता तृप्त हो जाए, ये सिर्फ आशा रखने से तो होगा नहीं। इसके लिए जो करने वाला काम है वो हमको करने की जरूरत है। तो भाव का चिंतन करें, भाव को देखें अपने आप में, क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, ये बात हम अपने अंदर बैठ के देखें, एक एक व्यक्ति को लेकर देखें। ये विधि से जाएंगे तो अपने अंदर आराम बढ़ेगा। जब तक इस बात को हम नहीं देख पाते क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, तब तक हम ये भी नहीं देख पाते क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, तब तक हम ये भी नहीं देख पाते कि सुख होता क्या है, ना, ये स्वभाव है या प्रभाव है। तो ये सारी बातें हमको स्पष्ट लगती है। तो हम ऐसे कुछ इश्यूज, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रश्न ले लें, उसको अपने आप में देखें। जैसे यही एक बात, क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, इस पे आप चिंतन का अभ्यास करिए, ये आपको काफी एनरिच करेगा। तो परिवार के सदस्य हो गए, जो भी व्यक्ति कल्पनाशीलता में आता हो अपने अतीत से, वर्तमान से, भविष्य से, है ना, कोई व्यक्ति कल्पनाशीलता में आ रहा हो उसको लेकर हम पूछे अपने आप से, क्या इस व्यक्ति को सुखी करना चाहती हूँ, ठीक। फिर आपको बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होंगी, ऐसा कर दे तो, वैसा कर दे तो, ये हो जाए तो, फिर भी अपने आप से पूछते रहिए। ये काम है करने लायक, नहीं तो हम सोचें कि मेरी स्थिति सुखद हो जाए उससे कुछ निकलेगा नहीं। जी जी भैया, मुझे ध्यान आ रहा है कि सारा मेरा फोकस बाहर से सुख पाने में है, इस वजह से इतनी परेशानी होती है और उससे मैं एस्केप चाहती हूँ अभी, इसीलिए। सारा नहीं कहूंगा मैं, है ना, जब उस समय उद्वेलित हुए हैं तब तो है, ठीक, बट अभी तो, जैसे अभी आप जो अभ्यास कर रही हैं तो स्वयं में समझ को सुनिश्चित करने के लिए कर रही हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मौके पे अपने पुराने संस्कारों के साथ हम उलझ जाते हैं, तो ठीक है, वो अपने को ध्यान में आ जाए, उस पर काम करेंगे। जी भैया, अभी ये गाइडिंग पॉइंट मिला है, इससे मैं आज शुरुआत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िया, धन्यवाद। तो आज जितनी चर्चा हुई उसको हम अपने आप में थोड़ा कल्पनाशीलता में बार दोहरा लें, इन मुद्दों पर स्पष्टता हो जाएगी तो अभ्यास दो में सहयोग करेगा, है ना। क्योंकि अभ्यास दो में भी लौट लौट के हम लोग इन्हीं पे आने वाले हैं। अल्टीमेटली देखने का काम तो स्वयं में होना है और यही देखने की वस्तु है, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व। इसके अर्थ को जितना फैला लें अपने आप में, जितना सुनिश्चित कर लें, उतना हमारे लिए उपकारी है। तो आज इस पूरी बात को अपने आप में देखें, फिर हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।